देख रहे हैं आज तक मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बजने वाले हैं और वक्त हो गया है दंगल का। लॉकडाउन के बाद अब देश अनलॉकिंग की तरफ बढ़ रहा है। आज से कई सारे नियम कायदे बदल गए हैं और जिंदगी को पटरी पर लाने की दिशा में आगे बढ़ने पर देश ने कदम रख दिया है। लेकिन अब भी सवाल लगातार उठ रहे हैं, क्या लॉकडाउन सही था, क्या अनलॉक करने का तरीका सही है? और इस सब के बीच राजनीतिक बयानबाजी तो थी ही, अब डॉक्टर्स से जुड़े 3 संगठनों ने एक चिट्ठी लिखी है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिसके बाद यह समझा जा रहा है कि इस बात को लेकर और बवाल बढ़ गया। इन संगठनों ने अपनी चिट्ठी में कहा है कि सरकार ने कुछ जगहों पर लॉकडाउन को लेकर जो रणनीतियां अपनाई वो गलत थी और खास तौर पर एक ही संस्थान की सारी सिफारिशें मानते हुए सरकार ने जो फैसले लिए, इसलिए हालात आज इस तरीके के पैदा हो गए। आपको याद होगा बहुत दिन नहीं हुए कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी इसी तरीके के सवाल उठाए थे, जिसके बाद सरकार ने उनको तीखे जवाब भी पलट कर दिए थे। लेकिन लगता है कि ये मामला अभी और लंबा चलेगा। हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं वो चिट्ठी पर रिपोर्ट है कि आखिर इस चिट्ठी को लिखने वाले लोग कौन है, उस चिट्ठी का मजमून क्या है, क्या ऐसी बातें हैं जो सरकार को चुभ सकती हैं। उसके बाद आपको बताएंगे आज दंगल में हमारे मेहमान कौन कौन है। चार लॉकडाउन के बाद देश अनलॉक 1 में पहुंच चुका है, तो इस बीच कोरोना से लड़ाई की रणनीति पर मेडिकल एसोसिएशंस ने सवाल उठा दिए हैं। 25 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी साझा चिट्ठी में कहा गया है कि भारत मानवीय त्रासदी और बीमारी के फैलाव दोनों में बड़ी कीमत चुका रहा है। महामारी पर ठोस रणनीति के बजाय राष्ट्रीय स्तर पर विसंगतियों वाली और तेजी से रणनीति बदलने वाली नीतियां अपनाई गईं। इस चिट्ठी को लिखने वालों में एम्स, बीएचयू, जेएनयू और पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च समेत कई नामी संस्थाओं के मौजूदा और पूर्व प्रोफेसर शामिल हैं। इनमें से एक डॉक्टर हैं डीएस रेड्डी, जो बीएचयू के पूर्व प्रोफेसर हैं, और सरकार ने जो 11 कोविड-19 टास्क फोर्स बनाया है उसमें से एक के प्रमुख हैं। उसी टास्क फोर्स के एक और सदस्य डॉक्टर शशिकांत, जो कि एम्स नई दिल्ली में कम्युनिटी मेडिसिन सेंटर के प्रमुख हैं, उन्होंने भी पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी पर दस्तखत किया। प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी में कहा गया है कि अगर प्रवासी मजदूरों को तभी घर जाने दिया जाता तब कोरोना का फैलाव कम था तो आज की स्थिति नहीं बनती। एक्सपर्ट्स की इस चिट्ठी से लॉकडाउन की रणनीति पर सरकार को घेर रहे विपक्ष को मौका मिल सकता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल ही में मोदी के लॉकडाउन को नाकाम बताया था। मोदी जी ने कहा था कि 21 दिन में कोरोना की लड़ाई जीती जाएगी। 4 लॉकडाउन हो गए, तकरीबन 60 दिन हो गए। हिंदुस्तान पहला देश है जो बीमारी के बढ़ते वक्त लॉकडाउन बंद कर रहा है। यह बात क्लियर है, स्पष्ट है कि हिंदुस्तान का लॉकडाउन फेल हुआ है। हालांकि सरकार की ओर से लगातार लॉकडाउन को सफल बताया जा रहा है। आज तक के ई एजेंडा में खुद गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस पर क्या कहा था, आप सुनिए। कोरोना का संकट है, नुकसान भी हुआ है, तकलीफें भी बहुत लोगों को हुई है, जान भी बहुत लोगों को गई है, मगर इसको विश्व के सापेक्ष में अगर देखते हैं तो हमें लगता है कि ये लड़ाई मोदी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छे से लड़े हैं। लॉकडाउन की घोषणा प्रधानमंत्री ने समय के साथ न की होती तो आज पता नहीं भारत की स्थिति कितनी बदतर हो गई होती। मैं समझता हूँ कि चिंता कम करने की जरूरत है, सावधानी ज्यादा बरतने की जरूरत है और एक दृढ़ संकल्प के साथ इस कोरोना की चुनौती को स्वीकार करने की जरूरत है, जिसे कि हमारे प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया है, हमारे पूरे देश ने स्वीकार किया है और मैं आश्वस्त हूं कि इस पर हम विजय प्राप्त करेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी में साफ कहा गया है कि सरकार ने गलत सलाहों पर अमल किया और उसका खमियाजा देश भुगत रहा है। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। तो हमारे साथ आज बीजेपी से शाहनवाज हुसैन हैं, आज हमारे साथ कांग्रेस से आलोक शर्मा हैं, समाजवादी पार्टी से हमारे साथ अनुराग भदौरिया होंगे, आम आदमी पार्टी से हमारे साथ
सौरभ भारद्वाज होंगे और जेडीयू से हमारे साथ डॉक्टर अजय आलोक होंगे। आप सबका स्वागत है दंगल में। सबसे पहला सवाल मेरा शाहनवाज हुसैन आपसे है, अभी तक सरकार ये कहती रही कि डॉक्टर और वैज्ञानिकों की सलाह से हम पूरी रणनीति बनाकर चल रहे हैं, अब तो डॉक्टरों वैज्ञानिकों की टीम कह रही है कि सरकार ने रणनीति बनाने में गलती की लॉकडाउन में, अब क्या कहिएगा? देखिए, कोरोना पेंडेमिक ऐसा है जिस पर सब लोगों की राय, कई साइंटिस्ट की, डॉक्टर की और कई लोगों की राय अलग अलग भी होती है, लेकिन उस वक्त सबकी राय से ही ये निर्णय हुआ। हो सकता है एक निर्णय के बारे में किसी को इतराज हो, सख्ती ज्यादा हुई इसके बारे में इतराज हो, या ये कहना कि सही समय पे किया नहीं किया, ये अलग राय हो, लेकिन जो लॉकडाउन किया गया जिसमें अमित शाह जी का, राजनाथ सिंह जी का आपने बयान दिखाया, वो मैं उसी बयान पे मैं भी कायम हूँ। मैं कहता हूँ उस वक्त की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय किया गया। नीति आयोग के सदस्य हैं मिस्टर पाल, उन्होंने कहा कि अगर 15 दुनिया के ऐसे देश जहां पर बड़ी तादाद में कोरोना पीड़ित हैं, उनकी आबादी 135 करोड़ है, हमारी आबादी 137 करोड़ है, अगर उनसे तुलना कर लें तो हमने कोरोना पेंडेमिक को ज्यादा अच्छे से लड़ा है और पूरे दुनिया में इसकी प्रशंसा हुई है। लेकिन अलग अलग राय एक ही विचार के कई जगह हो सकते हैं, तो जिन डॉक्टर्स ने ये राय दिया है उनकी राय का भी सम्मान करते हुए मैं कह सकता हूं कि उस वक्त सरकार ने जो निर्णय किया वो निर्णय एकदम सही था। और अभी भी जो सरकार कर रही है, जैसे हमने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करना है, इस बात का भी ध्यान रखना है कि हम इसको खुद ही कोरोना को हरा सकते हैं, कोरोना को कोई और नहीं हरा सकता, क्योंकि अभी तक इसकी कोई दवा नहीं मिली, अभी तक जो चीजें एक जगह सफल हुई हैं वो दूसरी जगह नहीं हुई हैं, और इसको ध्यान में रखते हुए जो सरकार ने निर्णय किया वो सब जी, हमें खुद ही हराना था तो फिर 70 दिन लॉकडाउन करने की क्या जरूरत थी? 70 दिन पहले ही ये कह दिया होता कि मास्क लगा के चलिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, बार बार साबुन से हाथ धोइए, सैनिटाइजर जेब में रखिए, फिर 70 दिन के लॉकडाउन किस लिए था? नहीं, ये बात ये देखिए, इसलिए कि लोग मास्क लगाए घर पे, नहीं नहीं इसलिए कि अगर लॉकडाउन सही समय पे न किया गया होता तो वो चेन पूरी कम्युनिटी में चली जाती। अभी भी कई जगह ऐसा है, जो महाराष्ट्र में कई पॉकेट में जो कम्युनिटी में गई है, लेकिन अभी भी बहुत कंट्रोल में है। मैं आपसे कहता हूं कि अन्य देशों की तुलना में यह पहले, अन्य जब शुरुआत थी तो 3 दिन में डबल हो रहा था, अब उसको बहुत बड़ी, बहुत बड़ा टाइम 12 दिन से ज्यादा का लग रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि उस वक्त ये सही निर्णय था, और अभी उस वक्त भी कहा जी 20 का 40 होने में और 1.5 लाख का 3 लाख होने में तो समय का अंतर आएगा ही ना, ये तो सिंपल गणित का सवाल है। क्या ये कह के हम इस बात को हल्का कर सकते हैं कि नहीं, अब डबल होने का समय कम लग रहा, ज्यादा लग रहा है, पहली चीज। और दूसरा सर, अब आप जब दूसरे देशों से तुलना करते हैं तो उन्होंने अनलॉक कब किया? उन्होंने अनलॉक तब किया जब उनके केस कम होने लगे, आपके यहां तो अब केस बढ़ रहे हैं, हर दिन केस बढ़ने की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है, तब आप कह रहे कि अनलॉक कर देते हैं। देखिए, ये आपका सवाल जायज है, वाजिब है, मैं इसका जवाब दे दूं कि जिस वक्त कोरोना संकट आया था हमारे पास एक ही सुझाव था और सबकी राय से सुझाव था कि लॉकडाउन किया जाए। मकसद यह था कि वो 21 दिन के अंदर हम इस चेन को कम से कम तोड़ें और इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं। हमारे पास तो न पीपी किट था, न हमारे पास वेंटिलेटर्स थे, हमारे पास न उतने N95 मास्क थे। उस 21 दिन के अंदर हमने वो पूरी तैयारी की, लेकिन धीरे धीरे सब राज्य के मुख्यमंत्रियों से एक्सपर्ट की राय लेके, डॉक्टर की राय लेके, ये एक पहली राय नहीं आई रोहित जी, तो इन राय लेने के बाद इसको बढ़ाया गया, और बाद में भी जब हमने पूरी तैयारी कर ली है तो अब भी शाहनवाज जी जिस चिट्ठी को आधार बना के आज हम ये चर्चा कर रहे हैं, उस चिट्ठी का बिंदु नंबर 24 मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं, उसका हिंदी अनुवाद बता देता हूं। वो चिट्ठी ये कहती है कि जो ड्रैकोनियन लॉकडाउन, आप शब्द का ध्यान दीजिएगा उन्होंने क्या इस्तेमाल किया, और ये राहुल गांधी नहीं है चिट्ठी लिखने वाले, ये उन्हीं संस्थानों से जुड़े हुए डॉक्टर्स हैं जिनकी सलाह लेकर आमतौर पर सरकार चलती है। इन्होंने लिखा, ड्रैकोनियन लॉकडाउन जो कि ऐसा लगता है कि एक प्रभावशाली संस्थान की मॉडलिंग एक्सरसाइज के तहत वर्स्ट केस सिमुलेशन प्रेजेंट किया गया था कि 2.2 मिलियन डेथ जब दुनिया में हो गई थी उस अनुमान लगाया गया था, उसके आधार पर यह वर्स्ट केस सिनेरियो बनाया गया था, उसको देखते हुए लॉकडाउन प्लान किया गया। आपको लगता है कि वाकई भारत सरकार एक संस्थान विशेष के कहने पर या उनकी सलाह पर चल रही थी अब तक केवल, और उसकी वजह से ऐसा हो गया जैसा ये डॉक्टर्स कह रहे? एकदम, देखिए मैंने कहा ना कि एक चीजों की
एक चीजों की एक राय किसी की होती है और दूसरी राय किसी की होती है। कोरोना पेंडेमिक ऐसा है जिस पर एक राय पूरे दुनिया में एक साथ नहीं चल रही। कई लोगों ने कई चीजों के बारे में जो डॉक्टर्स ने राय दिया, कई WHO ने उसको नहीं माना। अमेरिकन राष्ट्रपति भारत की दवा HCC जो हाइड्रोक्लोरिन है उसका सेवन कर रहे हैं, WHO ने कहा कि उसको नहीं करना चाहिए। तो डॉक्टर्स की भी राय कई जगह भिन्न होगी, लेकिन जो लॉकडाउन किया गया वो पूरी तरह एक्सपर्ट की राय लेकर, और हमें इस पर संतुष्टि है कि हमने सही टाइम पर लॉकडाउन किया और सही टाइम पर उसको अनलॉक भी कर रहे हैं, क्योंकि लोगों के बीच में ये जागरूकता भी फैली और हमने उससे अपने आप को प्रिपेयर भी किया है। ये कम्युनिटी में ना जाए इसका ध्यान है। अभी भी बहुत सी चीजें नहीं खोली गई हैं, बहुत सी चीजें खोली गई हैं, इसलिए डॉक्टर्स ने जो चिट्ठी लिखी वो उनकी एक चिट्ठी हो सकती है, लेकिन उनसे अलग राय रखने वाले भी लोग हैं। मैं दूसरे मेहमान के पास जाऊं, उससे पहले एक छोटी सी चीज आपसे पूछ रहा हूं बस। जी, आपको आपको अभी भी लगता है कि हमारे देश में कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हो रहा इस बीमारी का, जब हम 2 लाख मरीजों को छू रहे कुल मिला के? नहीं, अभी भी जो डॉक्टर्स की राय है, जो एक्सपर्ट की राय है, अभी भी ये कम्युनिटी में उस तरह ट्रांसमिशन नहीं हुआ है। ये सही है कि मुंबई में और कई जगह इसके केसेस एक पॉकेट्स में बहुत ज्यादा बढ़े हैं, और उसको रोकने के लिए पूरी ताकत से राज्य और केंद्र की सरकार, एक्सपर्ट और डॉक्टर लगे हुए। ओके, आलोक शर्मा बोलिए, क्यों बार 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 खींचतान के चीज इसी पर आ जाती है कि लॉकडाउन ठीक नहीं था, अनलॉकिंग ठीक नहीं है, जबकि सामने आने पर आपकी पार्टी भी यही कहती है कि नहीं, हम तो फैसले के साथ हैं, जो देश की सरकार ने तय किया कांग्रेस पार्टी उसके साथ खड़ी है। देखिए, मुझे लगता है रोहित जी की सरकार की पुरानी नियत रही है कि चाहे वो नोटबंदी रही हो, GST रहा हो, लॉकडाउन रहा हो, किसी भी बिना तैयारी के ये लोग मैदान में कूद जाते हैं और देश को उसमें झोंक देते हैं। यही हाल नोटबंदी में हुआ था, यही लॉकडाउन में हुआ। आज हम लॉकडाउन का कहते हैं, अपोज करेंगे तो हम आप कहेंगे कि सरकार का विरोध कर रहे हैं, आप राजनीति कर रहे हैं। हमने कहा ठीक है, आप अपना लॉकडाउन करना चाहते हैं, लेकिन तैयारी तो सरकार को करनी थी, तैयारी विपक्ष को तो नहीं करनी चाहिए थी। ना इनकी नीयत ठीक थी, ना नीति ठीक थी। यही कारण रहा कि आज 4 लॉकडाउन होने के बाद पहला लॉकडाउन हुआ जिस दिन, उस दिन 500 केस थे, और जब चौथा लॉकडाउन हुआ तो आज 2 लाख से ज्यादा केस हैं। लेकिन ये सरकार गूंगी भी है, बहरी भी है और अंधी भी है। ना इसको दिखाई देता है, ना इसको सुनाई देता है, ना इसको मजदूरों पर, जो मजदूर सड़कों पर चल रहे हैं वो कहीं पर दिखाई दे रहे हैं। हेल्थ के मामले में और इकोनॉमी के मामले में दो तैयारी करनी चाहिए थी इस सरकार को, दोनों में से कोई भी नहीं हुई। आप मुझे केवल ये बताइए, फरवरी में नमस्ते ट्रंप चल रहा था कि नहीं चल रहा था? मार्च के अंदर जिस तरह से संसद चली और मार्च के अंदर जिस तरह से मध्य प्रदेश की सरकार गिराई गई और उसके बाद आनन फानन में लॉकडाउन हुआ, सरकार की क्या तैयारी थी? क्या 4 अप्रैल तक PPE किट और वेंटिलेटर का एक्सपोर्ट हो रहा था हमारे देश से? एक ही भाषा है जो बराबर बोलते हैं। आज देखिए आप किस तरह से लेबर मिनिस्टर का एक बयान नहीं आता है इस पूरे इतने बड़े त्रासदी के अंदर। लेबर मिनिस्टर कौन सी गुफा के अंदर छुपे? मेरा एक सवाल है आपसे, बुरा मत मानिएगा, मेरा एक सवाल है आपसे जी। आप हमारे अच्छे मित्र हैं, लगातार आप दंगल में आते हैं, बहुत दिन के बाद आज फिर से आए। मेरा एक सवाल है आपसे, ये जो बात आप बोल रहे हैं सर, ऐसा लगता है ये रटा दी गई है सारे प्रवक्ताओं को कांग्रेस के। सही बात, और कहा गया कि यही 7-8 सेंटेंस बोलने हैं। आप मुझे अभी छूट दे दीजिए तो मैं 8 सेंटेंस वैसे के वैसे बोल के दोहरा दूंगा, क्योंकि मैं हर दिन 3-3 बार 5-5 बार आपके प्रवक्ताओं से यही सुन रहा हूं। रोहित, क्या उनको केवल ये दिया गया कि यही बोलना है केवल जाके? अगर नमस्ते ट्रंप हुआ था और वो एक वजह है सर, नमस्ते ट्रंप महाराष्ट्र में तो नहीं हुआ। लॉकडाउन अगर केंद्र सरकार की नीयत खराब होने की वजह से फेल हुआ है तो महाराष्ट्र में तो कांग्रेस की अपनी सरकार है सर, वहां पे केस रोक के दिखा देते फिर आप लोग, तो इससे पता लग जाता कि भाई देखो कांग्रेस की नीति और बीजेपी की नीति में अंतर है। कांग्रेस के पास कमाल की नीति है और बीजेपी के पास बिल्कुल फेल नीति है। रोहित जी महाराष्ट्र का खासतौर पर बॉम्बे जो है सबसे ज्यादा इंटरएक्टिव सेशन है, विदेशों से सबसे ज्यादा फ्लाइट्स आई हैं, और दुर्भाग्य यह है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी और सिविल एविएशन दोनों केंद्र सरकार के पास हैं, और पूरी तरह से वहां पर जिस तरह से टेस्टिंग होनी चाहिए थी किसी भी एयरपोर्ट पर नहीं हुई। और पहले नहीं रोहित जी, आप ये देखिए, तो बराबर आप लोग यही बात बोलते हैं, 23 मार्च तक इंटरनेशनल फ्लाइट्स आई हैं, उनमें किसकी टेस्टिंग हुई है? एक थर्मोमीटर के साथ स्क्रीनिंग नहीं होती थी, और आज भी जिस तरह के हालात हैं, टेस्टिंग ना PCR टेस्टिंग की बात है, ना एंटीबॉडी टेस्टिंग की बात है।
30 जनवरी को जब पहला केस मिला और 5 मई को जब घोटाला सामने आता है टेस्ट किट का, ये सरकार क्या किस मुंह से अपना पल्ला झाड़ना चाहती है? जैसे जैसे दिखा कि बाजी अब हमारे हाथ से निकल रही है, वैसे वैसे मोदी जी ने राज्यों के ऊपर डालना शुरू कर दिया कि आप लोग डिसाइड कर लो भाई। अरे भाई, इकोनॉमी 6 साल से बूम पर। लेकिन आलोक जी, इस बात को भी तो आप स्वीकार करेंगे कि राज्य भी तो पहले 3 लॉकडाउन तक तो नमो नमो कर रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि अपने कंधे पर कौन ले, हमसे संभलेगा तो है नहीं, तो इससे बेहतर है हर बार ये कहते चले कि जो केंद्र की सरकार कहेगी हम वो करेंगे। राज्य भी तो यही कर रहे थे। ये बीमारी जो थी रोहित जी, ये कोई किसी एक राज्य की बीमारी नहीं खोली थी, नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर। सर, सबसे पहली चिट्ठी शराब की दुकान खोलने के लिए किसने लिखी थी? आलोक जी, सबसे पहले चिट्ठी शराब की दुकान खोलने के लिए किसने लिखी थी? हरियाणा ने। उसके बाद क्यों लिखी थी हरियाणा? उसके बाद हरियाणा के बाद, उसके बाद मैं मानता हूं, अगर आप उसके बाद का पैसा नहीं देंगे, कोविड का पैसा नहीं देंगे, हम 2 महीने से कह रहे हैं कि व्हाइट पेपर आप लेकर आइए कि किस किस राज्य को। आप शराब की कमाई से राज्य चलाएंगे? उसके बाद नहीं लेकर आते? उसके बाद आप शराब की कमाई से राज्य चलाएंगे ना? अरे भाई, क्यों उत्तर प्रदेश? या तो आपके राज्यों की सरकारों ने कह दिया होता कि भाई हम तो शराब की कमाई में यकीन ही नहीं रखते हैं, इसलिए हम शराब नहीं बिकने देंगे। तो आलोक जी, जब हमाम में सब नंगे हो तो एक दूसरे की तरफ उंगली उठा के ये कहना कि तुम नंगे हो, आपको नहीं लगता कि अपनी शर्मिंदगी का कारण बनता है? और बजाय ऐसी परिस्थिति में जहां देश में 2 लाख केसेस होने वाले हैं आज की तारीख में, सब लोगों को एक साथ मिलजुल के बैठ के रणनीति बना के आगे चलना चाहिए कि यह बताना चाहिए कि तुमने ऐसे नहीं किया, तुमने वैसे नहीं किया, ये अंधे हैं, ये बहरे हैं, ये गूंगे हैं। इसलिए आज आलोक को लेकर आ रहा हूं, सौरभ भारद्वाज को और अनुराग भदौरिया को लेकर आ रहा हूं चर्चा में। आलोक रोहित जी, एक बात में कहना चाहूंगा, मुझे केवल एक ये बताइए कि क्या केंद्र सरकार लॉकडाउन मोदी जी ने किया था जिस समय पर, उस समय पर ये कहा था कि मैं लॉकडाउन के बाद किसी राज्य का कोई पैसा नहीं दूंगा, क्या ये मोदी जी ने कहा था? एक बार भी व्हाइट पेपर मोदी जी कराया? आलोक जी, मैं आपको केवल एक बात याद दिला देता हूँ, केंद्र सरकार के लॉकडाउन का ऐलान करने के पहले आपके शासन वाली कम से कम 4 राज्यों की सरकारों ने कह दिया था कि हम लॉकडाउन कर रहे हैं, भले ही वो हफ्ते का हो, भले ही वो 10 दिन का हो, उन्होंने पहले लॉकडाउन का ऐलान कर दिया था। और बाद में जब केंद्र ने लॉकडाउन का ऐलान किया तो सबने कहा कि हम तो नमो नमो कर रहे हैं, जो केंद्र की सरकार कह रही है हम वो कर रहे हैं। अजय आलोक, अगर ये नमो नमो उस समय हो रहा था तो आज क्या हो गया? आज 4th लॉकडाउन के बाद क्या एक दूसरे पर ठीकड़ा फोड़ने की होड़ लगी हुई है कि नहीं साहब अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेंगे? मीठा मीठा गप गप था, कड़वा कड़वा है तो हम थू थू करेंगे। अजय आलोक, देखिए रोहित जी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस देश में राजनीति हर जगह घुस गई है। अब डॉक्टरों को भी एक संस्था को दूसरी संस्था का काम पसंद नहीं आया कि सिर्फ उनकी राय क्यों ली गई। लॉकडाउन, सबसे पहले बात यह जानने की जरूरत है कि अगर लॉकडाउन हमारा सफल नहीं हुआ, आप ये कह रहे हैं, विपक्षी ये कह रहे हैं, मैं ये कहता हूं कि अगर 1,90,000 आज हमारे केसेस हैं लॉकडाउन के बाद, 4 लॉकडाउन के बाद, तो जरा इसमें से तबलीगी जमात के समय जो संक्रमण बढ़ा और उसके बाद प्रवासी मजदूरों के लौटने के कारण जो संक्रमण बढ़ा, जरा उसको हटा लीजिए, तब देखिए हमारा लॉकडाउन कहाँ जाता है और क्या रफ्तार रहती है हमारी केसेस की। आप अपनी कमियों को भी तो ढूंढिए साहब, ये सिर्फ एक केंद्र या किसी एक राज्य की जिम्मेदारी नहीं हो सकती है, ये संयुक्त जिम्मेदारी थी। आप अपने प्रवासियों को रोकने में सफल नहीं हो पाए अपने अपने राज्यों में, प्रवासी मूव किए, यूपी मूव किए, बिहार मूव किए, झारखंड मूव किए, हर जगह केसेस बढ़ रहे हैं, बंगाल मूव किए, हर जगह केसेस बढ़ रहे हैं। तो ये ठीकरा फोड़ना एक दूसरे के सर पे बंद करिए। लॉकडाउन नहीं होता तो आज जो हमारी व्यवस्था है, जिस ढंग से हम रहते हैं, जिस ढंग से हमारे स्लम्स हैं, आज अगर लॉकडाउन नहीं होता ये 4 लॉकडाउन रोहित जी, तो हमारे केसेस की संख्या 50 लाख से ऊपर होती। हमारे आज बंबई में आप बोल रहे हैं, बंबई में अस्पतालों में मरीज को रखने की जगह नहीं है। अगर लॉकडाउन नहीं होता जरा इमेजिन कीजिए कहां रखते, लाशों को रखने की जगह नहीं है। लॉकडाउन को ये कहना कि सफल नहीं हुआ, ये बेतुका, बिल्कुल बेतुका ख्याल है, क्योंकि और कोई तरीका ही नहीं है कोरोना से लड़ने का, ना आपके पास दवाई है, ना आपके पास वैक्सीन है, तो आप करते क्या? अब आप कह रहे हैं कि लॉकडाउन केसेस बढ़ रहे हैं तो लॉकडाउन आपने खोला क्यों? यही खोला तो डॉक्टरों ने चिट्ठी लिखी है। लॉकडाउन अब जितने चार जिसको आप ये कह रहे हैं कि आईसीएमआर के खिलाफ उनकी नाराजगी है कि केवल आईसीएमआर से क्यों सलाह ली जाती रही, ये बिल्कुल डॉक्टर यही तो कह रहे हैं कि आप एक अनुमानित आंकड़ा लेके हर चीज को जस्टिफाई नहीं कर सकते कि ऐसा ना करते तो ऐसा हो जाता। अभी कोरोना कोई पहले तो आया नहीं था, पहली बार आया है ना, सब कोई पहली बार ही फेस कर रहे हैं, तो आप किसकी सलाह मानेंगे? अगर आपको शुगर की बीमारी हो गई है तो आप डायबिटोलॉजिस्ट के पास ही जाएंगे ना,
किसी और के न्यूरोलॉजिस्ट के पास तो जाएंगे नहीं। ICMR इस देश की सबसे प्रतिष्ठित संस्थान है जिसने अपना लोहा मनवाया है पिछले जब से उसकी स्थापना हुई, और सारे विशेषज्ञ ही हैं इसमें। दवाइयों की स्थापना से लेकर दवाइयों का संचालन से लेकर हर चीज जिस देश में ICMR करते आया है, तो उसमें आप उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री किसी प्राइवेट संस्था या दूसरी संस्था से सलाह लेंगे? उसमें तब ये लोग कहने लगते हैं कि ICMR को क्यों बैठा के रखा हुआ है, क्यों ICMR का फंड बनाया हुआ है 10,000 करोड़ का। तो मुसीबत के समय विशेषज्ञों की ही सलाह ली जाती है, और जैसे वो कहते हैं उसी के हिसाब से चला जाता है। अनुमान आपके गलत भी हो सकते हैं, अनुमान आपके सही भी हो सकते हैं, लेकिन मेरा आज भी ये मानना है कि जिस ढंग से हमारी रिकवरी रेट है, जिस ढंग से हमारी मृत्यु रेट कम हुई है पिछले लॉकडाउन, इस 4 लॉकडाउन के दौरान, हम एक बहुत अच्छे पाथ ट्रैजेक्टरी पर जा रहे हैं। और देश में अवेयरनेस की मैं बता दूं तो अवेयरनेस इतनी है कि गांव में लोग अब लोगों को नहीं आने दे रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कि आप प्रखंड कार्यालय में, पंचायत कार्यालय में रहो, क्वारंटाइन हो, तब आओ। किसी में सिम्टम्स निकल रहे हैं तो लोग खुद पहुंच जा रहे हैं जांच करवाने। कहां होता था ऐसा पहले? आजकल एक सर्दी खांसी बुखार लोग डॉक्टर के हॉस्पिटल में जाने से परहेज कर रहे हैं। तो अवेयरनेस तो बढ़ाई है, कोरोना को इसी से मात दी जा सकती है। आज की तारीख में हमारे पास यही शस्त्र है, और खोलना भी जरूरी था, क्योंकि नहीं खोलते तो बाकी आपकी इकोनॉमी चलेगी कहां से। अवेयरनेस के साथ खोलना अब ये मानक है। मैंने पहले भी आपको बोला कि कोरोना के साथ जीना सीखना पड़ेगा, और वो देश सीख रहा है। अब इसमें सवाल उठाने वाले नहीं आ रहा ना लोगों को कि बस चल रही है, रेल चल रही है, हवाई जहाज चल रहा है, लेकिन आदमी से कहा जा रहा है कि तुम घर पे रहो। किसके देश की राजधानी दिल्ली में सौरभ भारद्वाज आपके पास आ रहा हूं, आपने सब कुछ खोल दिया। तो अब ये बताइए, आपकी सरकार ने रोज आके कहा कि अब सब गतिविधियों को हमें चलाना है, अब कोरोना के साथ जीना सीखना होगा, ये अरविंद केजरीवाल ने कहा। और जैसे ही लोगों ने घर से बाहर कदम रखा तो केजरीवाल जी फिर आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हमने सब कुछ सील कर दिया है, अब कोई बाहर से नहीं आएगा दिल्ली में। तो सर, देश की राजधानी है, यहां तो बहुत सारे कारोबार चलते इसीलिए कि कोई बाहर से आ रहा और कोई बाहर जा रहा, और आप कह रहे हैं कि नहीं, तो कैसे सर दो तरफा चीजें कैसे चलेंगी? सौरभ जी, जी मैं रोहित जी, पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं। मैं बहुत सालों बाद आपके शो पे आया और आप बहुत अच्छी तरह इस शो को चला रहे हैं, हर एक की खिंचाई और हर एक से सवाल कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा आके। देखिए, मैं इस चीज पे बहस नहीं करता कि लॉकडाउन जरूरी था या नहीं था, क्योंकि कोरोना में लॉकडाउन ही इकलौता इफेक्टिव मेजर रहा जो बाकी हमारे देशों में हमें दिखा कि लॉकडाउन से कोरोना को पॉज किया जा सकता है। सवाल सिर्फ कुछ कोरोना को लगाते वक्त जो उठ रहे हैं वो ये हैं, और मुझे लगता है हम भी इसके दोषी हैं कि हमने ये सवाल पहले क्यों नहीं पूछे, पहले क्यों नहीं सोचे कि जिस दिन लॉकडाउन लग रहा था, मान लीजिए उस दिन 550 केसेस थे पॉजिटिव पूरे देश में, हमें अपनी सरकारों से सवाल करना था, केंद्र से, सबसे, कि आज ये लॉकडाउन लगा है, कब तक के लिए लगा है, क्या सिचुएशन हम अचीव करना चाहते हैं, किस स्टेट को हम अचीव करना चाहते हैं जिसपे हम ये कहेंगे कि हाँ अब लॉकडाउन खोला जा सकता है। उस वक्त कम्युनिकेशन ये था कि हम कोरोना को हरा देंगे, और जब हरा देंगे तब तक के लिए हमें लॉक रहना है। उस वक्त ये नहीं कहा गया था कि लॉकडाउन हमने 500 पे किया है, जब 2 लाख हो जाएंगे तब लॉकडाउन को खोला जाएगा, क्योंकि आम तौर पे डर लग रहा है कि जब 500 पे इतना डर था तो 2 लाख पे ज्यादा डर होगा। क्वेश्चन दूसरा ये है कि लॉकडाउन क्यों दिल्ली सरकार को या केंद्र सरकार को या राज्य सरकारों को मजबूर होना पड़ रहा है कि लॉकडाउन को खोलें? उसका कारण ये है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी बहुत खस्ता हाल के अंदर है, बहुत बुरे हाल के अंदर है। 1.5 महीने, 1.75 महीने, 1.25 महीने चलाने के बाद लॉकडाउन, हमारी राज्य सरकार के पास इतने पैसे भी नहीं बच रहे हैं कि हम अगले महीने की तनख्वाहें दे सके। और ये हमारे ही नहीं, ये सबका यही हाल है, चाहे पंजाब हो, चाहे गुजरात हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, किसी के पास पैसा नहीं। ऐसी स्थिति में जैसे दूसरे राज्यों में हुआ, अब देखिए बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहां पे ये हुआ कि केंद्र सरकारों ने राज्यों को पैसा दिया, और इसलिए पैसा दिया कि हम जानते हैं कि आपकी अर्थव्यवस्था नहीं चल रही है, इकोनॉमी नहीं चल रही है, आपके पास पैसा नहीं है, ये लो पैसा और इस पैसे से आप सरकार चलाओ, क्योंकि जान बचानी है लोगों की, ठीक है। दूसरा, उद्योगों को, छोटे छोटे धंधों को, रेस्टोरेंट चलाने वालों को, छोटे काम चलाने वालों को, सबको पैसा दिया गया कि अब लॉकडाउन और भी बढ़ेगा तो ये लो पैसा और इससे आप अपनी जिंदगी चलाओ। समस्या सिर्फ हमारे ये थी और ये है कि लॉकडाउन, देखिए लॉकडाउन जैसा भी था मगर लॉकडाउन ने कोरोना को रोका हुआ था, वरना ये लॉकडाउन बहुत बढ़ता। आज प्रॉब्लम ये है कि हमें कोरोना मजबूरी में लॉकडाउन को खोलना पड़ रहा है, क्योंकि पूरी राज्य सरकारों के पास, केंद्र सरकार के पास कोई विकल्प नहीं बचा है
कि आप लॉकडाउन खोलने के अलावा आपके पास कोई विकल्प बच नहीं रहा है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है जो प्रोजेक्ट की जानी चाहिए। लेकिन सौरभ, एक बात तो आपको बतानी पड़ेगी ना सर, आज आपने कहा कि हम दिल्ली को सील कर रहे हैं। सर, हवाई जहाज दिल्ली से चल रहे हैं, हवाई जहाज दिल्ली में लैंड हो रहे हैं, आपने सड़क पे बॉर्डर सील कर भी दिया तो भी लोग तो आपके यहाँ आ ही रहे हैं। ट्रेन दिल्ली से चल रही है, ट्रेन दिल्ली में आ रही है। आपने दिल्ली हरियाणा, दिल्ली नोएडा, दिल्ली गाजियाबाद में 4 पुलिस के लोग लगाकर नाका लगा भी दिया वहां पर कि केवल एसेंशियल सर्विस वाले को आने देंगे जिसके पास पास है, तो भी ट्रेन से तो जिसको आना है वो आ ही रहा। तो ये सीलिंग क्या केवल दिखाने के लिए, ये बताने के लिए कि नहीं देखो हम चिंता भी कर रहे हैं? नहीं, ये जो आपका सवाल है बिल्कुल वाजिब सवाल है, स्ट्रेटेजिक क्वेश्चन है। और अभी कोई सीलिंग नहीं की गई है, अभी लोगों से राय मशवरा लिया जा रहा है और उसके हिसाब से, जैसे आपने इनपुट दिया ये मुझे बड़ा अच्छा इनपुट लगा, क्योंकि ये एक प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। तो इस तरीके की कई सारी चीजें हैं जिसके ऊपर विचार विमर्श करके ही किया जाएगा। दिल्ली के पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और इन लिमिटेड रिसोर्सेज को किस तरीके से इस्तेमाल करना है ताकि कोरोना के लिए मतलब हमारे पास पर्याप्त हॉस्पिटल्स हों, बेड्स हों, दवाइयां हों, ये सारी चीजों के लिए ही ये एक हफ्ता दिया गया है। हम भी तैयारी कर रहे हैं, लोगों से भी मशवरा ले रहे हैं, एक्सपर्ट से भी मशवरा ले रहे हैं क्या किया जा सकता है। ये भी हो सकता है कि गाजियाबाद, कांग्रेस की सलाह नहीं लेते, जगहों को आपसे भी नाराज रहते हैं, केंद्र की सरकार से भी नाराज रहते हैं। हाँ, कांग्रेस से हमें सलाह लेनी चाहिए। मैं बिल्कुल स्वागत है आलोक जी, और कोई भी सलाह दें तो इसका बिल्कुल स्वागत रहेगा, मगर इनकी सलाह आजकल लोग कम ले रहे हैं मैंने देखा। रोहित जी, दुर्भाग्य यह है कि जो केजरीवाल जी 3 महीने पहले कह रहे थे कि बेस्ट इकॉनमी है, एक बात कह देता हूँ यहाँ पर, जो 3 महीने पहले केजरीवाल जी कह रहे थे, वो 3 महीने में ऐसी हालत चकनाचूर सिचुएशन में आ गई, क्योंकि आपने अभी तक ना देखिए, दिल्ली सरकार ना पेंशन देती है, ना डीडीए की तनख्वाह देती है, ना कैंटोनमेंट बोर्ड की देती है, ना कॉरपोरेशन की देती है, ना दिल्ली पुलिस की देती है। उसके बाद आप दिवाली हो गए, क्योंकि आप पूरा पैसा एडवर्टाइजमेंट पे ही खर्च कर रहे थे, सारा ध्यान ही मीडिया के ऊपर था आप लोगों का पिछले 5 वर्षों से। कौन से नए फ्लाईओवर बनाए हैं? एक नया कॉलेज नहीं बनाया, एक नई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, केवल एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइजमेंट, और कांग्रेस से सलाह नहीं लेनी। दिल्ली की हालत क्या है आज हॉस्पिटल्स की, जाकर देख लीजिए आप। मैं ये बताना चाहता हूं, उन्होंने तो कहा आपसे सलाह लेनी है, और जो भी बातें आपको नहीं, नहीं वो तो मना कर रहे हैं, ये समझा कि आपसे सलाह लेना नहीं चाहते, वो तो कह रहे हैं कि आपसे सलाह लेने को तैयार है, आप सलाह दीजिए। तो वो तो यही कह रहे हैं कि केवल आलोचना मत कीजिए, सलाह दीजिए, वो तो यही कह ही रहे थे कि केवल आलोचना मत कीजिए, सलाह दीजिए। उन्होंने तो खुले दिल से कहा तो ये है कि पैसा एडवर्टाइजमेंट पे खर्च कर रहे हैं, सलाह दी आप तो आलोचना ही कर रहे हैं। सबसे पहला कदम यही तो हम कर रहे हैं, तो हमने बात कही उसी बात को, तो ओके कह रहे हैं आप की बात ने कही एडवर्टाइजमेंट जो भी स्कीम कही बात अभी सौरभ भारद्वाज से पूछ लूंगा, ठीक है भाई, आपकी बात अभी सौरभ भारद्वाज से पूछ देता हूं, उसके बाद अनुराग भदौरिया के पास जाता हूं। शाहनवाज जी, थोड़ा रुकते हुए, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं अब के इस दौर में सर, जब हमें कोरोना के साथ जीना सीखना होगा, आप सब लोग अपने अपने घरों से या दफ्तर से जहां भी हैं मोबाइल फोन के थ्रू, अब तो हमारे लोग भी नहीं जाते ताकि आप लोगों को कनेक्ट करें, जो परिस्थिति हुई है कुछ नेता भी इसके शिकार हुए, तो हम एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं भी घर से हूं और आवाज थोड़ी देर में ट्रेवल करती है, इस चीज को ध्यान रखते हुए जब जब आपका नंबर आए तब तब बोलेंगे तो सब एक दूसरे की बात सुन भी पाएंगे, समझ भी पाएंगे और दर्शकों को भी आनंद आएगा आप लोगों को देखने में। एक कमेंट अनुराग भदौरिया से ले लें, फिर मैं सौरभ भारद्वाज से आपके दोनों के सवालों का जवाब ले लूंगा। शाहनवाज जी, आपके पास भी आ रहा हूं, मैं देख पा रहा हूं आप कुछ बोलना चाह रहे हैं। अनुराग भदौरिया बोलिए भाई, आप किस तरफ हैं, लॉकडाउन ठीक था या लॉकडाउन गलत था, और अनलॉक करना ठीक है या अनलॉक करना गलत है? अनुराग भदौरिया बोलिए। देखिए अभी शाहनवाज भाई कह रहे थे कि देखिए हमारे पास दवा नहीं है, बिल्कुल सही है, आपने लॉकडाउन किया, लॉकडाउन में आपने किसी से पूछा तो नहीं, लोकतंत्र के देश में जहां इतना बड़ा देश है, 130 करोड़ की पॉपुलेशन है, आप सबको बुला के पूछ लेते, उसके बाद मैं अपनी बात कह लूं, पीछे टोको नहीं, मैं सब लोग को बुला के पूछ लेते, उसके बाद जो फंसे हुए लोग थे वो घर चले जाते, उस पर लॉकडाउन करते तो शायद ज्यादा कामयाब रहता। चलिए कोई बात नहीं, आपने कर दिया लॉकडाउन, लेकिन आपने क्या 21 दिन की जो आपने लॉकडाउन किया उसमें क्या आपने कोरोना के लिए तैयारी की थी, कि आपने हॉस्पिटल्स अच्छे बनाने की उस 21 दिनों के अंदर में
क्या कोशिश की कि हम जल्दी से हॉस्पिटल अच्छे तैयार कर लें, जल्दी से क्वारंटाइन सेंटर तैयार कर लें, जल्दी से दवाओं की जो भी दवा आपकी हो सकती है कर लें, पीपी किट की तैयारी कर लें। आपने क्या किया? ऐसा नहीं किया। आपके आपके मंत्री बैठे बैठे लूडो खेल रहे हैं, कोई बैडमिंटन खेल रहा है। ऐसा 21 दिन का ऐसा लगा जैसे 21 दिन की हॉलीडे हो गए हो। आपके मंत्रालय आपके मंत्री सब घरों में बैठ गए, कहीं रोड पे दिखाई नहीं पड़े, कहीं काम करते दिखाई नहीं पड़े। उनकी जिम्मेदारी उसमें बनती थी कि आप देश को प्रिपेयर करते कि 21 दिन के बाद देश तैयार हो जाएगा कोरोना से लड़ने के लिए। तो आपने 21 दिन को ऐसे लिया जैसे लगता है छुट्टी मना ली गई हो। और सिर्फ एक बार नहीं किया मोदी जी ने, एक बार आपने 8 बजे आए आपने कहा कि लॉकडाउन, आपने बिना सोचे लॉकडाउन कर देते हो। भाई आप कम से कम सोचा तो करो कि यहाँ 52 करोड़ लोग इधर उधर इस देश के अंदर में एक दूसरे से प्रदेश में रहते हैं, वो कैसे अपने घर आएंगे। इसी तरह आपने नोटबंदी में भी यही किया था, 8 बजे नोटबंदी हो गई। आप सोचते नहीं हो कि देश में गुजरे की क्या, और जब सब कुछ बिखर जाता है तब आप आते हो विपक्ष ने ये नहीं किया, विपक्ष ने वो नहीं किया, विपक्ष ने ये साथ नहीं दिया। लेकिन जब आप फैसला लेते हो तब विपक्ष को कब पूछते हो? आप जनता के साथ खेल करते हो, पता आपको? आप उसमें भी राजनीति खोजते हो, तब तबलीगी जमात खोजने लगे आप। आप तबलीगी जमात जितने दिन में खोज रहे थे उतने दिन में अगर आपने तैयारी कर ली होती हॉस्पिटल्स बनाने की तो शायद कोरोना की बीमारी से नहीं फैलती। लेकिन आप क्या करते हो, आप उसमें भी धर्म खोजने लगे, उसमें भी राजनीति खोजने लगे, हर जगह राजनीति। आपको कष्ट इस बात का है कि 21 दिन में तैयारी नहीं हुई, या कष्ट इस बात का है कि 21 दिन में तबलीगी जमात के ऊपर जोर आ गया? जाति धर्म में बांटने की कोशिश करते हो, ये गलत है। जी आपको कष्ट इस बात का है कि 21 दिन में तैयारी नहीं हुई, या आपको कष्ट इस बात का है कि तबलीगी जमात पे आ गया मामला? बिजली नहीं आ रही है, क्या तैयारी करने की व्यवस्था आपकी नहीं थी? क्वारंटाइन सेंटर में सांप घूमेगा क्या, ये आपने व्यवस्था की थी 21 दिनों में? क्या हॉस्पिटल आप तैयार नहीं? मैं जवाब मेरा जवाब ले लीजिए रोहित जी। आपने कोई तैयारी नहीं की, आप सिर्फ राजनीति करते हो, विपक्ष को घेरने की राजनीति करते हो। जहाँ पे 19,000 ट्रेन वहाँ मजदूर वोट मर जाए, 70,000 से ज्यादा जवाब दे दूंगा मर जाए। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी की। रोहित जी ओके, भदौरिया जी ओके, आपको किस बात का गर्व हो रहा है जो हमें शर्माने? मेरा सवाल बीच में ही रह गया, आपने सुना भी नहीं, पता नहीं सुन के अनसुना कर दिया कि आपको लगा मेरा भाषण बीच में कट ना जाए। मेरा सवाल ये था, आपको कष्ट 21 दिन में लोगों की दिक्कतों से हुआ, या कष्ट इस बात से हुआ कि तबलीगी जमात के ऊपर आ गया मामला? इस बात से ज्यादा तकलीफ में दिखाई दे रहे हैं कि तबलीगी जमात के ऊपर क्यों आ गया मामला, जबकि अब देश उससे बहुत आगे बढ़ चुका है। भदौरिया जी आप अभी भी तबलीगी जमात में फंसे हुए हैं, मैं कह रहा हूं मुझे देश बहुत आगे बढ़ गया है। इस बात का कष्ट हुआ कि 21 दिनों में तबलीगी जमात के मामले जिन राज्यों में थे, जरा वहां से जाके पूछिएगा कि वहां क्या स्थिति थी, और क्यों वो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताते थे कि तबलीगी जमात ने इतने दे दिया। देश को तैयार होना चाहिए था, देश को अपने पैर उस समय उसमें कोरोना से लड़ने के लिए आपको सारी तैयारी कर लेनी चाहिए थी, जो आपने तैयारी की नहीं। आप इधर जी जी की बता देते हैं, जरा मुझे मौका दीजिए तो मैं बता देता हूं। रखना चाहिए था, आप क्या भाषण दे रहे हैं बिना बात का, मुझे जवाब देने दीजिए। मैं आपको दिला रहा हूं कि आप लोग okay. जी मुझे जवाब देने दीजिए, जवाब दीजिए। कोरोना पेंडेमिक के वक्त में जानबूझकर बयानबाजी करते हैं, झगड़ा नहीं करते ना, छोड़ देते। भदौरिया जी झगड़ा नहीं करते, आराम आराम से अपनी बात रख लेते हैं, ठीक है? अब शाहनवाज जी की बात सुन लीजिए, उसके बाद सौरभ भारद्वाज और आलोक शर्मा, प्लीज बोलिए शाहनवाज जी, जवाब दीजिए। तैयारी क्यों नहीं की 21 दिन में, वो कह रहे हैं देश देख रहा है। जो बात मैंने ओपनिंग रिमार्क में कही वही लॉकडाउन की बात आम आदमी पार्टी ने भी कांग्रेस ने उस बात को माना जब आपने उनसे पूछा। आज एक पीपी किट नहीं बनता था, 4.5 लाख पीपी किट बन रहा है, N95 मास्क 2.5 लाख बन रहा है, 50,000 हमने खुद से अपने देश में वेंटिलेटर बनाए हैं। देश पूरी तरह तैयार है कोरोना से लड़ने के लिए, खुद भी चिंता कर रहे हैं, पूरे दुनिया की भी निगाह भारत पर है। ये लॉकडाउन जैसा कि अजय आलोक जी ने कहा कि ICMR से कुछ डॉक्टर के मतभेद हो सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि चिट्ठी लीक करें, आप उसको बात कहें, आपको कोई बात कहनी थी वहां पर कहते। सवाल ये है कि जो कांग्रेस पार्टी या लीक नहीं है, सार्वजनिक है सर, पब्लिक डोमेन में है, कोई लीक नहीं है ना, उन्होंने बाकायदे सार्वजनिक किया है उसको और बताया कि प्रधानमंत्री को बता रहे हैं ये बात। बहुत अच्छी बात है, अभी भी देश के लोगों को ICMR पर पूरा भरोसा है, और ICMR ने जितनी मजबूती से इस लड़ाई को लड़ा है इतिहास गवाह रहेगा कि इस तरह की संस्था जिस पर हमें गर्व है और उसको साथ में लेकर हमने इस काम को किया है। सवाल यह है कि इन्होंने एक सवाल कह दिया कि हम लोगों ने तैयारी की, आज पीपी किट, वेंटिलेटर, N95 मास्क, हॉस्पिटल्स का बेड बढ़ाना, ये सब देश के अंदर हुआ है, सही वक्त पे लॉकडाउन हुआ है। कांग्रेस के नेता आलोचना करते हैं, वो जब आपने उनको राज की बात याद दिलाई तो वो मान गए लॉकडाउन सही फैसला था। अभी अनलॉक भी कर रहे हैं हम, तो वो भी एक्सपर्ट की राय लेकर विचार विमर्श करके कर रहे हैं और लोगों के अंदर अवेयरनेस आया है। आज गांव में भी कोई जा रहा है तो वो देख रहा है कि उसको कोरोना को हराना है और सरकार की बातों को माना जा रहा है।
इस पर आलोचना करने की जगह विपक्ष का तो काम है, मैं रोज देखता हूं, मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूं, रोज मुझे जवाब देना है, मुझे मालूम है कि ये सुबह उठ के क्या प्रेस में कहने वाले हैं। मुझे तो कई बार लगता है मैं पहले ही जवाब लिखकर तैयार कर लूं, इनका काम ही आलोचना करना। एक भी शब्द समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो, वो आम आदमी पार्टी के पास पैसे नहीं है लेकिन अखबार में एडवर्टीजमेंट देने के लिए बहुत पैसे हैं। आप लोग सिर्फ बयानबाजी करेंगे, आप कहेंगे नहीं दिल्ली के अंदर बाहर के लोगों को इलाज नहीं करने देंगे, अरे साहब दिल्ली के लोगों का ये इलाज कर ले तो बहुत बड़ी बात है। आप लोगों ने जिस तरह से हैंडल किया मजदूर के विषय को, उसके वजह से जो मजदूर परेशान हुए दिल्ली में मुंबई में, उसकी कितनी बड़ी दिक्कतें हुई। इस पर एकजुट रहिए, इकट्ठे रहिए, कोरोना के संकट पर जिस तरह की राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं उसका नुकसान इन दलों को होने वाला है, जनता इनसे बहुत नाराज है। कोरोना पेंडेमिक कोरोना के कंधे कोरोना के कंधे पर कांग्रेस ने भी सवाल उठाया और बीजेपी भी कह रही है। हाँ, एक चीज के अखबार में तीन पन्ने का विज्ञापन देने के लिए पैसा होता है आपके पास, लेकिन आप वैसे कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है। सौरभ जवाब दे दीजिए जरा दोनों को। बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखिए ये बड़ी अजीब सी बात है कि जो जो राज्य सवाल उठा रहे हैं, चाहे कांग्रेस के इनके राज्य हैं, केंद्र सरकार है शाहनवाज हुसैन की, मैं तो कह रहा हूं आप पब्लिक डोमेन में डाल दीजिए कि आपकी सरकारों ने पांच साल में कितना एडवर्टीजमेंट का पैसा खर्च किया है, हमारी सरकार ने कितना खर्च किया, डाल तो दीजिए। मैं दावे से कह रहा हूं कि इनसे कम किया होगा, बल्कि केंद्र मतलब केंद्र से भी राज्यों से भी कोई भी इनका राज्य हो तो पब्लिक डोमेन में डालिए। ये सिर्फ इससे झुंझलाना तो, और जहां तक पैसे की दिक्कत है सरकार ने किया। दूसरी चीज में माइग्रेशन के बारे में जो बोलना चाहता हूं, जो शाहनवाज जी ने बोली, देखिए जब आनंद विहार बस टर्मिनल पे आज से डेढ़ महीने पहले बहुत सारे मजदूर इकट्ठे हो गए, हालांकि वो मजदूर दिल्ली से भी आए हुए थे, कुछ पंजाब से आए हुए थे, कुछ हरियाणा से आए हुए थे, तो सारा का सारा ठीकरा हमारे ऊपर फोड़ा गया कि केजरीवाल ने अपने यहां से मजदूर भगा दिए इसलिए वो यूपी जा रहे हैं, इसलिए वो गुजरात से भी भगा दिए, केजरीवाल ने महाराष्ट्र से भी भगा दिए, केजरीवाल ने कर्नाटका से भी भगा दिए। आपको सिर्फ एक सिचुएशन का पॉलिटिकल फायदा लेना था, इसलिए आपने उन लोगों को इग्नोर किया, करोड़ों लोगों को सिर्फ इसलिए इग्नोर किया कि चलिए इससे केजरीवाल को बैकफुट पे डाल दें और मजदूर भी अपने आप मजदूरों को डंडा मारे तो ये सिचुएशन खत्म हो जाएगी। हुई खत्म? नहीं हुई। आज आपको ट्रेनें चलानी पड़ी, आज आपको बस चलानी पड़ रही है, आज लोग पैदल चल चल के भी मर रहे हैं, बताइए केजरीवाल चला रहा है क्या इन सारे मजदूरों को? अगर आप उस वक्त एक हफ्ते का समय लोगों को दे देते कि जो लोग जहां पहुंचना चाहते हैं पहुंच जाए, और यूरोप के देशों में बहुत जगह ऐसा हुआ है जहां पे 48 घंटे का, क्योंकि छोटे 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 देश तो यूरोप में ज्यादा लोग मरे, तो वहां दो दो दिन दिए गए, यूरोप में अमेरिका में ज्यादा लोग मरे साहब, वो एक आइडियल आइडियल फैसला नहीं है। सौरभ भारद्वाज, इस गलती को मानने में कोई नुकसान नहीं है। एक सेकंड, यूरोप कोई आइडियल प्लेस नहीं है, उससे तुलना ना करें। बीच में सर मेरा निवेदन है, बीच में केवल मुझे बोलने दीजिए, आप लोग बीच में मत बोलिए। मेरी कोशिश रहती है हर व्यक्ति पूरा अपनी बात कर ले, उसके बाद मैं टोका टाकी करूं। सौरभ भारद्वाज जी, यूरोप से आप तुलना कैसे करेंगे? आपके उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से तो छोटे हैं कई देश दुनिया के, उनकी ये स्थिति है, उसके बावजूद यूरोप के आंकड़े और भारत के आंकड़े आप उनकी तुलना करके ही तो अपनी पीठ थपथपाते हैं कि देखिए हम लोग फिर भी बचे हुए हैं आज की तारीख में। मैं आपसे थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए, आपने जो बातें कही हैं उन्हीं को आधार बनाते हुए आगे जरा अजय आलोक से कमेंट लेना चाह रहा हूं। बहुत देर से अजय आलोक वेट कर रहे हैं, फिर आलोक शर्मा आपके पास आ रहा हूं। अजय आलोक, अब की स्थिति क्या है अब? क्योंकि हर आदमी आगे का देखना चाह रहा है, वो अनलॉक वन से आगे स्थिति क्या होगी ये समझना चाहता है। क्या वो ये समझे कि सरकार ने कह दिया कि भाई ठीक है अब जान भी अपनी खुद बचाओ और जहान भी खुद बचाओ, हमने 70 दिन रोकना था रोक लिया, रोक के देख लिया, उसमें तुमको टेक्निक बता दी कि मास्क लगा लो, घर में बनवा लो 4-4 जोड़ी मास्क अपने लिए, एक सैनिटाइजर की बोतल जेब में रखो और उसके बाद चलो काम पे, और राज्य सरकारें फिर अपने नियम तय करती रहे। देखिए सबसे बड़ी बात है रोहित जी कि आदमी को अपना सावधानी खुद बरतनी पड़ेगी, ये शुरू से सरकार भी कह रही है और सब लोग भी समझ रहे हैं, डॉक्टर भी यही जागृत कर रहे हैं कि आपको अपनी सावधानी शुरू से बरतनी पड़ेगी। सवाल ये उठता है कि जैसे भी सौरभ जी ने कहा कि केजरीवाल ने भेज दिया, केजरीवाल को बदनाम करने की साजिश, नहीं कोई साजिश नहीं थी,
ये तो सब पूरे देश ने वीडियो में देखा सौरभ जी, कि आप ही की पार्टी के एक प्रवक्ता माइक पे प्रवचन दे रहे थे दिल्ली की झुगड़ी झोपड़ी बस्तियों में जाकर कि डीटीसी बसें यहाँ पे लगेंगी, तुम बैठ जाना, तुमको बॉर्डर पे छोड़ा जाएगा डीटीसी बसें और वहां से अपने यूपी बिहार अपने घर जा सकते हो। ये वीडियो तो हर देश के हर चैनल में चला। आप प्रवक्ता का नाम तो बताइए, कौन से प्रवक्ता के नेतृत्व, आपके ही प्रवक्ता के नेतृत्व में ये काम चल रहा था दिल्ली के झुग्गी झोपड़ियों में। और दूसरी बात, आपने तो देश को एक बता रहा हूँ मैं अपनी बात खत्म मेरा एक सवाल है आप दोनों लोगों से, एक मिनट मैं अपनी बात खत्म कर लेता हूँ, दोनों लोगों का नाम भी बता देते हैं आप दोनों लोगों से। प्रवक्ता थे पूरा करें मैं, उसके पहले अजय जी एक निवेदन और कर रहा हूँ, नहीं मेरा एक निवेदन है आप लोगों से, मेरा एक निवेदन है, बजाय इस पे जाने के क्या आपको नहीं लगता कि हम लोगों को ये सोचने के कि भाई उस डेढ़ महीने पहले क्या हुआ, या ट्रेन कब चलानी पड़ी, या बस कब चलानी पड़ी, या पहले किसने बस चलाई और फिर बाद में किसने चलाई। पीएम ने जब लॉकडाउन का ऐलान किया था तो उन्होंने कहा था जो जहां है वहां रहे, वो तो फॉलो हुआ नहीं, लेकिन अब जो आगे के लिए तैयारियां करने की बातें सरकारें कर रही हैं वो तो फॉलो हो जाए कम से कम, उसके पालन की तो कोई जिम्मेदारी ले ले, या सब अपनी अपनी सीलिंग करके बैठ जाएंगे फिर से और केंद्र की सरकार कहेगी हमने अनलॉक कर दिया। अजय जी देखिए देखिए रोहित जी, ये जिम्मेदारी बिल्कुल राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की है कि आगे हम किस तरह की गाइडलाइंस जारी कर रहे हैं और वो फॉलोअप होता है कि नहीं, और किस तरह से लोग उसका अनुपालन कर रहे हैं कि नहीं। सीमित संसाधनों के साथ अब अगर आप लॉकडाउन खोलने की बात कर रहे हैं और स्टेप वाइज आप इसमें काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इसके अलावा हमारे पास मौजूदा समय में कोई विकल्प नहीं है। अब आपको ये देखना है कि आप किस ढंग से अपने केसेस को कंटेन कर सकते हैं, किस ढंग से अपनी रिकवरी रेट बढ़ा सकते हैं, और कितना और जागरूकता फैलाते जा सकते हैं कि भैया आपको संक्रमण से बचना कैसे है, और उम्मीद कर सकते हैं कि जितनी जल्दी वैक्सीन आए, जितनी जल्दी कोई दवा निकले। आपके पास उपाय क्या है, समस्या ये है ना कि आपके पास उपाय क्या है। आपके पास उपाय अब यही है कि अब आप इसके साथ रहिए और इससे बचाव के सारे तरीके को अपनाना होगा, और सरकार को जितनी मदद करनी है, अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को जितना सुदृढ़ करना है। जब बिहार जैसे राज्य, मेरे जैसा गरीब राज्य में जब हम लोगों ने अपनी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी सुदृढ़ कर ली, अभी हमारे मित्र अनुराग जी बोल रहे थे क्या तैयारी की, क्या तैयारी की, अकेला बिहार राज्य बना 12 लाख लोगों को क्वारंटाइन सेंटर में हमने रखा, कल से हम उनको रिलीज कर रहे हैं। ये होती है व्यवस्था, खाना खिला रहे हैं, रख रहे हैं, और उनको प्रवासियों को काम भी दे रहे हैं। ये सरकार की आगे की जिम्मेदारी है, ये सरकार की आगे की जिम्मेदारी है। यूपी सरकार भी क्यों बीच में बोल रहे हैं, ना मेरी बात समझ में आएगी ना आपकी समझ में आएगी। आपकी तो कोई जिम्मेदारी है नहीं, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं, आप विपक्ष में हैं, आप कमियां निकालते रहिए, अच्छी बात है, लेकिन जो जो राज्य सरकार हैं और अपना काम कर रही है, जो केंद्र सरकार है, उसको अपनी जिम्मेदारी निभानी ही होगी, क्योंकि नहीं तो सवाल ये उठेंगे, सवाल पूछे जाएंगे कि इस कोरोना काल में किसकी क्या जिम्मेदारी थी और किसने कैसे अपनी जिम्मेदारी निभाई। मैं सौरभ जी को इसलिए बोल रहा था क्योंकि आम आदमी पार्टी ने पूरे देश को एक राह दिखाई है कि प्रवासियों को भगाया कैसे जाता है, ये भी इनसे सवाल उठेगा और इनसे पूछा जाएगा और केजरीवाल को जवाब देना पड़ेगा। नहीं तो गुजरात ने भी भगाया है क्या? ठीक है, तो गुजरात में आलोक शर्मा से कमेंट लेना है, उसके पहले सौरभ छोटा सा एक कमेंट कर लेना। बिल्कुल बिल्कुल गुजरात में भी अच्छा व्यवहार नहीं हुआ, उनसे भी सवाल उठ पूछा जाएगा। आलोक शर्मा सलाह देना चाहते हैं कोई दिल्ली की सरकार को और केंद्र की सरकार को? देखिए रोहित जी, सीधा सीधा ये है, जिस देश के पास 20 लाख करोड़ का झुंझुना देने के लिए जिस प्रधानमंत्री के पास हो और 20,000 ट्रेनें खड़ी, जिस तरह से लेबर का जो हाल हुआ माइग्रेंट लेबर का, उसके बाद भी आप कहें कि विपक्ष सवाल पूछ रहा है आपसे, 20 लाख करोड़ के झुंझुने की हवा निकालने के लिए 2 घंटे लगे, इकोनॉमिस्ट को बता दिया कि ये जीडीपी का कितना परसेंट है, आरबीआई कह रहा है नेगेटिव ग्रोथ रेट रहेगी, आप अभी आईसीएमआर की बात कर रहे थे, वो सबसे सुदृढ़ संस्था है, क्या वो 50 लाख जो पीपीई किट आई थी उसका ऑर्डर और टेस्टिंग किट का ऑर्डर आईसीएमआर की रिकमेंडेशन पर नहीं दिया गया? जिन कंपनियों ने खरीदा उन कंपनियों के खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए। मैंने पूछा आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं या वही बातें दोहराना चाहते हैं जो पहले से दोहरा रहे हैं पिछले कई दिन से? रोहित जी सबसे पहला जो लोग तो आरोप लगा रहे हैं कि आप कंस्ट्रक्टिव विपक्ष नहीं है, हां मैं जवाब दे देता हूं इनका। रोहित जी सबसे पहला तो ये कि बीजेपी के नेता पीपीई किट घोटाले करके और जेल में जाने से बचे, सबसे पहली सलाह मेरी इनसे ये है। दूसरी सलाह, जो वेंटिलेटर घोटाला हुआ था गुजरात के अंदर उसकी जांच कराएं ताकि बीजेपी से जुड़े हुए बाकी लोग बोल रहे हैं आप कहेंगे मैं बीच में बोलता हूं।
पीपीई घोटाला, चार घोटाले हुए और चारों में बीजेपी के लोग वहां पर पकड़े गए, तो भाई सबसे पहले घोटाला करना बंद कर दीजिए। दूसरी चीज, मोदी साहब की सरकार से सलाह है कि झूठ बोलना बंद कर दे सरकार। ये सरकार इतनी झूठी सरकार है कि 20 लाख करोड़ के झुंझुने को इवेंट मैनेजमेंट बनाती है, खोदा पहाड़। आरोप लगाएंगे ना आपने दिल्ली की सरकार के लिए कोई जेन्युइन सुझाव रखा, पहला ना आप केंद्र की सरकार को कोई जेन्युइन सुझाव देना चाह रहे हैं, आप फिर वही राजनीतिक बयान दोहराना चाह रहे हैं जो कि आप और आपके सहयोगी लगातार पिछले कई दिन से देते रहे। सर इतना समय नहीं है, प्लीज आप भी जानते हैं आलोक जी। जी 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 सर, भूमिका आप 1.5 किलोमीटर की बांधेंगे, उसके बाद कहेंगे कि अब मैं सुझाव देना शुरू कर रहा हूं तो कैसे चलेगा सर? समय इजाजत नहीं देता ना सर इतनी, मैंने तो पर्याप्त समय दिया आपको लेकिन उसमें आप भूमिका ही बांधते रहे केवल, और वो भी वही जो आप हर रोज बांधते हैं। चलिए समय खत्म हो गया सर, माफी चाहता हूं, वरना समय और देने की कोशिश करता कि आप सुझाव दीजिए और जवाब लेता सौरभ भारद्वाज और शाहनवाज हुसैन से भी कि उनको आपके सुझाव प्रैक्टिकल व्यवहार सम्मत लगते हैं या नहीं लगते, लेकिन अभी समय इजाजत दे नहीं रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका दंगल का आज हिस्सा बनने के लिए। हम एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, लेकिन ये बताते हुए कि देखिए अब हमें कोरोना के साथ ही जीना होगा, ये सरकारें कह रही हैं, और इसको जीवन में उतारने के लिए बहुत सारी चीज़ों का ख्याल आप लोगों को खुद भी रखना होगा, क्योंकि जब तक उसका कोई वैक्सीन या उसकी कोई दवाई बाजार में नहीं आ जाती, वाकई आपकी जान भी और जहान भी, आपको खुद पहले बचाना होगा, सरकारें उसके बाद आती हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेकर वापस आ रहे हैं, दंगल आखिरी पड़ाव पर होगा, आप देख रहे हैं आज। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है दंगल के आखिरी पड़ाव पर। आपको केवल इतना बता दें कि दंगल आप अपने मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं, डाउनलोड कर लीजिए हमारा मोबाइल ऐप या फिर विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट aajtak.in। ठीक 6 बजे हल्ला बोल, आप देखते रहिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।